हेलो एवरीबडी आई एम डॉक्टर सलोनी नंदन टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अटोरी दिस इन दी बी एस ई क्लास एट चैप्टर नाइन एनसीआर इंग्लिश बुक हनी ड्यू इस स्टोरी को आप अंत तक देखिएगा ये स्टोरी मैं आपको इंग्लिश और हिंदी में वर्ड मीनिंग्स के साथ एक्सप्लेन करूँगी वन आफ्टरनून उन अम्बदर एंड लिटिल बॉय सेट एट दॉटेज टॉकउट दब सूरजा लड़का अपनी झोपड़ी के दरवाजे पर बैठे हुए द ग्रेट स्टोन फेस के बारे में बात कर रहे थे Their eyes and there, the great stone face was plain to be seen, though miles away.

साइड ऑफ अम इमेंड बीन थ्रोन टूगेदर सो दूसर द ग्रेट स्टोन फेस प्रकृति का काम था जो एक पहाड़ के किनारे पर कुछ विशाल चट्टानों जिन्हें एक साथ फेंका गया था के द्वारा बन गया था ताकि जब उचित दूरी पर देखा जाए तो वे चट्टाने मानव चेहरे के समान लगे नोट इमेंस मीन्स एक्सट्रीमली लार्ज इन साइज विशाल व्यूड सीन देखा जाए रिजल्ड मीन्स टू लुक लाइक खाना। इफ द स्पेक्टेटर approached टू नियर ही लॉस्ट द आउटलाइन ऑफ द enormous फेस एंड could सी ओनली अ हीप ऑफ gigantic रॉक्स पाइल्ड वन अपॉन अनेहदर। यदि दर्शक बहुत करीब आता, तो वह विशाल चेहरे की रूपरेखा खो देता और केवल विशाल चट्टानों का ढेर देख पाता। एक के ऊपर एक ढेर। स्पेक्टेटर मींस व्यूअर और वन हु लुक्स ऑन दर्शक। अप्रोच्ड मींस केम नियर समीप आना। इनोर्मस मींस वेरी लार्ज इन साइज़ ह्यूज व Heap of gigantic rocks means mass of huge or very large rocks. Vishal Chattano ka dhir. Piled one upon another means stacked, heaped. Ek ke upar ek dhir. But seen from a distance, the clouds clustering about it, the great stone face seemed positively to be alive. लेकिन दूर से देखने पर उसके चारों ओर मंडराते बादल के कारण द ग्रेट स्टोन फेस सकारात्मक रूप से जीवित लगता था क्लस्टरिंग मीन्स अ ग्रुपिंग ऑफ अ नंबर ऑफ सिमिलर थिंग्स कई समान चीजों का समूह नोट हियर पॉजिटिवली इज द एडवर्ब फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव पॉजिटिव मोस्ट एडवर्ब्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग एलवाई to the end of the relative adjective. इस प्रकार आप adverb बना सकते हैं किसी भी adjective के बाद में ly लगाकर It was the belief of many people that the valley owed much of its fertility to the benign face that was continually beaming over it. बहुत से लोगों का यह मानना था कि घाटी का उपजाऊपन का श्रेय उस सौम्य चेहरे को जाता है जो उस पर लगातार चमक रहा था फर्टिलिटी मीन्स द क्वालिटी ऑफ बींग एबल टू प्रोड्यूस उपजाऊपन बेनाइन फेस मीन्स टू डिस्क्राइब समवन काइंड एंड जेंटल सौम्य चेहरा बीमिंग मीन्स स्माइलिंग ब्रॉडली मुस्कुराता हुआ ए मदर एंड अ लिटिल बॉय एस वी सेड अर्लियर सेट एट द डोर ऑफ देर कॉटेज गेजिंग एट द ग्रेट स्टोन फेस एंड टॉक अबाउट इट द और उसका छोटा लड़का, जैसा कि हमने पहले कहा था अपनी झोपड़ी के दरवाजे पर बैठे रहते ग्रेट स्टोन फेस को देख रहे थे और उसके बारे में बात कर रहे थे बच्चे का नाम अर्नेस्ट था अर्नेस्ट सेड मदर आई विश That it, the great stone face, could speak, for it looks so very kindly that its voice must indeed be pleasant. If I ever see a man with such a face, I should love him very much. Note here kindly is the adverb form of the adjective kind. Most adverbs are formed by adding ly to the end of the related adjective. ध्यान दें यहाँ पर काइंडली एडवर्ब है जो कि एडजेक्टिव काइंड में वाई एड करने से एडवर्ब काइंडली बन गया है अर्नेस्ट ने कहा मां मेरी इच्छा है कि यह द ग्रेट स्टोन फेस बोल सके क्योंकि यह इतना दयालु दिखता है इसकी आवाज वास्तव में सुखद होनी चाहिए अगर कभी मैं ऐसे चेहरे वाले वाले आदमी को देखूं, तो मुझे उससे बहुत प्यार करना चाहिए His mother answered, मैन an sometime विद exactly सच अ फेस एज दैट अर्नेस्ट की माता ने उत्तर दिया यदि कोई पुरानी भविष्यवाणी पूरी हो तो हमको कभी ऐसा मनुष्य देखने को मिल सकता है जिसका चेहरा ठीक वैसा ही हो जैसा कि द ग्रेट स्टोन फेस का है प्रोफेसी मीन्स अ स्टेटमेंट दैट सेज वॉट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर भविष्यवाणी कम टू पास मींस टू हैपन घटित होना ईगरली ऑनेस्ट इंक्वायर्ड क्या मतलब है कृपया मुझे इसके बारे में बताए ईगरली मीन्स इम्पेशियंटली अवे दैट शोज दैट यू वॉन्ट टू डू और हैव समिंग वेरी मच उत्सुकता से इनक्वायर्ड आज पूछा सो so, His mother told him a story that her own mother had told her when she was younger than Ernest. At some future day, a child should be born near here who was destined to become the greatest and noblest person of his time and whose face should bear an exact resemblance to the great stone face. The great man of the prophecy had not yet appeared. तो उसकी माँ ने उसे एक कहानी सुनाई जो उसकी अपनी माँ ने उसे बताई थी जब वह खुद छोटे से छूटी थी कि भविष्य के किसी दिन एक बच्चे का जन्म यहाँ के पास होना चाहिए जो अपने समय का सबसे महान और कुलीन व्यक्ति बनने के लिए नियत था और जिसका चेहरा द ग्रेट स्टोन फेस के समान होना चाहिए सभी घटनाओं में भविष्यवाड़ी का महान व्यक्ति अभी तक प्रकट नहीं हुआ था प्रोफेसी मीन्स अ स्टेटमेंट दैट मींस इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर भविष्यवाणी क्लैपिंग हिज हैंड्स क्राइड ओ मदर आई डू होप दैट आई शेड लिव टू सी हिम अपने हाथों से ताली बजाते हुए अर्नेस्ट बोला हे hey, मां मुझे आशा है कि मैं उसे देखने के लिए जीवित रहूंगा His mother was an affectionate and thoughtful woman. It was proper, she thought, not to discourage the fanciful hopes of a little boy. So she said to him, "Perhaps you may." उसकी माँ एक नई और विचारशील महिला थी. उसने सोचा ये उचित है अपने छोटे लड़के की काल्पनिक आशाओं को हतोत्साहित करने के लिए. उसने, उसने उस and Ernest never forgot the story that his mother told him. It was always in his mind whenever he looked upon the great stone face. He spent his childhood in the log cottage where he was born. He was dutiful to his mother and helpful to her in many things, assisting her much with his little hands and more with his loving heart.

अपनी मां के प्रति कर्तव्यनिष्ठ था और कई चीजों में उसकी मदद करता था अपने छोटे हाथों से उसकी बहुत मदद करता था और अपने प्यार भरे दिल से और भी ज्यादा इस तरह एक खुश मिजाज लेकिन अक्सर चिंतित बच्चे से वह एक सौम्य और शांत युवा के रूप में बड़ा हुआ आनेस्ट हैड नो टीचर

जब दिन का काम खत्म हो जाता था तो वह उसे घंटों तक देखता रहता था जब तक कि वह यह कल्पना न करने लगता कि उस विशाल आकृति ने उसे पहचान लिया और उसे दया और प्रोत्साहन की मुस्कान दी फीचर्स मींस शेप फिगर फॉर्म ऑफ पर्सन रूप आकृति Recognized means to identify something or someone previously seen. Known, Pechanna. There went a rumor throughout the valley that the great man, whose name was Gathergold, who was to bear a resemblance to the great stone face, had appeared at last. Many years before, he had left the valley. एंड हैड सेटल्ड एट अ डिस्टेंट सी पोर्ट हीपर एंडम वेरी रिच इन टू गो बैक एंड एंड हिस्सेर पूरी घाटी में एक अफवाह फैल गई की महान व्यक्ति जिसका नाम गैदर गोल्ड था जो की ग्रेट स्टोन फेस के समान था अंत में प्रकट हुआ है कई साल पहले वह घाटी छोड़कर दूर बंदरगाह पर जा बसा था वह एक दुकानदार था और बहुत अमीर हो गया था। समय रहते हुए उसने अपनी मूल घाटी के बारे में सोचा और वहां वापस जाकर जहां उसने जन्म लिया था अपने आखिरी दिन समाप्त करने का फैसला किया अरेज ड्रॉन बाय फोर हॉर्सेस Dashed round the turn of the road. Within it, thrust partly out of the window, appeared the face of an old man with yellow skin, and a crowd of people cried. Here comes the great Mr. Gathergold, the very image of the great stone face. Sure enough, the old prophecy is true. Here we have the great man at last. चार घोड़ों वाली द्वारा खींची गई एक गाड़ी सड़क के मोड़ के किनारे तेजी से आई उसके भीतर से खिड़की से आंशिक रूप से बाहर की ओर एक पीली त्वचा वाले बूढ़े आदमी का चेहरा दिखाई दिया और लोगों की भीड़ चिल्लाई यहां मान मिस्टर गो, गैदरगोल्ड आया है द ग्रेट स्टोन फेस की ही छवि निश्चित रूप से पुरानी भविष्यवाणी सच हो गई है अंत में हमारे पास महान व्यक्ति है वैली द स्टोन फेस सीम्ड टू सी ही विल कम फियर नॉट अर्नेस्ट द मैन विल कम अर्नेस्ट उस अप्रिय चेहरे की झुरियों वाली धूर्तता से दुखी होकर मुड़ गया और घाटी गा, को देखा जहां पत्थर का चेहरा कह रहा था वह आएगा डरो मत अर्नेस्ट वह आएगा वेंट ऑन एंड अर्नेस्ट ग्रू टू बी loved मैन ही लव टू गेज अपॉन द ग्रेट स्टोन फेस हु टीचर टू हिम and the young man's heart was filled with deeper sympathies than than other hearts. From from this had come a better wisdom than could be learnt from books. साल गए और जवान हो गया। ग्रेट फेस को निहारना पसंद करता था जो उसके लिए एक शिक्षक बन गया था और उसके दिल को अन्य दिलों की तुलना में गहरी सहानुभूति से भर दिया किताबों से सीखे जाने की तुलना में उससे इससे बेहतर ज्ञान प्राप्त हुआ गेज अपॉन मीन्स टू लुक एट समथिंग और समवन फॉर अ लॉन्ग टाइम निहारना डीपर सिंपदीज मीन्स अंडरस्टैंडिंग एंड केयर फॉर समवन गहरी सहानुभूति अर्नेस्ट डिड नॉट नो दैट द थॉट्स विच केम टू हिम सो नेचुरली इन द फील्ड्स एंड एट द फायर साइड

जो सभी पुरुषों ने उसके साथ साझा किए थे एक साधारण आत्मा उसने घाटी के नीचे देख रहे अद्भुत चेहरे को देखा और अभी भी सोच रहा था कि उसकी तरह मानवीय समानता वाले को आने में इतनी देर क्यों लग रही थी बी हेल्ड मीन्स सॉ देखा मार्वलेस फेस मीन्स एक्सट्रीमली गुड फेस अद्भुत चेहरा वंडर्ड फीलिंग ऑफ ग्रेट सरप्राइज बड़े आश्चर्य की भावनाट लाइकनेस बिटवीन द मर्चेंट एंड द मेजेस्टिक फेस अपॉन द माउंटेन इस समय तक गरीब मिस्टर गैदरगोल्ड मर चुका था और उसे दफना दिया गया था और आमतौर पर यह सहमति थी कि व्यापारी और पहाड़ के ग्रेट स्टोन फेस के बीच कोई समानता नहीं थी डेड एंड बरीड मीन्स नो लॉन्गर लिविंग कंप्लीटली फिनिश्ड मृत और दफन मैजेस्टिक फेस मीन्स ब्यूटिफुल पावरफुल फेस राजसी अनदर सन ऑफ द वैली हैड बिकम अ सोल्जर After a great deal of hard fighting he was now a famous commander he was known on the battlefield as blood and thunder old and tired now he expressed a desire to return to his native valley the inhabitants his old neighbors and their grown up children prepared to welcome the renowned commander ghati ka ek aur beta fauji ban gaya tha. काफी कठिन लड़ाई के बाद वह अब एक प्रसिद्ध सेनापति था। था। उसे युद्ध के के मैदान में के में ब्लड एंड थंडर रूप जाना जाता था। अब बूढ़ा और थका हुआ उसने अपनी मूल घाटी लौटने की इच्छा व्यक्त की निवासी उसके पुराने पड़ोसी और उनके बड़े हो चुके बच्चे प्रसिद्ध सेनापति का स्वागत करने के लिए तैयार थे inhabitants means people living in the valley dwellers nivasi ghati mein wale, log renowned means famous for something well known kisi cheez ke liye prasidh. there was excitement throughout the valley and many people who had never once thought of glancing at the great stone face now spent much time in gazing at it for the sake of knowing exactly हाउ जनरल ब्लड एंड थंडर लुक्ड पूरी घाटी में उत्साह था और बहुत से लोग जिन्होंने कभी भी ग्रेट स्टोन फेस पर एक नजर डालने के बारे में नहीं सोचा था अब सामान्य ब्लड एंड थंडर कैसा दिखता था यह जानने के लिए इसे देखने में अधिक समय व्यतीत करते थे ग्लांसिंग टू लुक क्विकली और ब्रीफली जल्दी या संक्षेप में देखना झलक गेजिंग टू लुक एट समथिंग और सम वन फॉर अ लॉन्ग टाइम एक टक देखना तो यहां पर ग्लांसिंग और गेजिंग दोनों ही देखने के लिए है पर एक झलक के लिए है और गेजिंग एक चीज को लगातार देखने के लिए है ऑन द डे ऑफ द जनरल अराइवल अंडरस्टैंड ऑल अदर पीपल ऑफ द वैली लेफ्ट दे वर्क एंड प्रोसीडेड टू द स्पॉट वेर अ ग्रेट बैंक के, के अन्य सभी लोगों ने अपना काम छोड़ दिया और उस स्थान पर चले गए जहा एक बड़ा भोज दावत तैयार किया गया था सैनिक पहरे पर खड़े थे झंडे लहरा रहे थे और भीड़ गर्जना कर रही थी Proceeded means move forward. Ravana. Banquet means a feast, a large formal meal for many people. Dawat, Bhoj, Road to make a long, loud, deep sound of a lion or other large wild animal. Garje. Ernest was standing too far back to see Blood and Thunder's face. However, ही कुड हियर सेवरल वॉइस इट्स द सेम फेस एग्जैक्टली वरफुली लाइक इट दैट्स ब्लड एंड थंडर का चेहरा नहीं देख पा रहा था क्योंकि वह बहुत पीछे खड़ा था हालांकि वह कई आवाजें सुन सकता था यह बिल्कुल वही चेहरा है आश्चर्यजनक रूप से यह एक सच्चाई है

यदि कोई ऐसी समानता थी जैसी कि भीड़ ने घोषित किया तो अनेस्ट उसे पहचान नहीं सका प्रोक्लेम्ड मीन्स लाउडली अनाउंस्ड ऑफिशियली और पब्लिकली अधिक आधिकारिक या सार्वजनिक रूप से घोषणा की ग्लांस टू लुक क्विकली और ब्रीफली झलक रिकग्नाइज टू नो हु इज पहचानना एज इफ द ग्रेट स्टोन फेस वॉज विस्परिंग टू हिम हिज हार्ट सेड फी आर नॉट अनेस्ट फी आर नॉट अनेस्ट ही द ग्रेट स्टोन फेस उससे फुसफुसा कर कह रहा हो ऐसा उसके दिल ने कहा डरो मत ऑर्नेस्ट डरो मत अनेस्ट वह आएगा विस्परिंग मीन्स टू स्पीक वेरी क्वाइटली यूजिंग द ब्रेथ But not the voice, so that only the person close to you can hear you. Fus fusana. Thanks for watching the video. Do not forget to like, comment on the video, and subscribe my channel as well as press the bell icon to get all the notifications regarding my video.